जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मजा में सुबह। सो आज हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के वहाँ से। तो पहले पार्ट में हमने कवर किया था द्वारका मंदिर और रुक्मणी मंदिर, फिर वहीं से जो है 18 किलोमीटर दूर पे आया हुआ है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो हमने जो रिक्शा की हुई थी वहीं से 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, तो वो हमें लेके आ गया है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के वहीं पर। तो आप देख सकते हैं सामने शिव भगवान की मूर्ति दिख रही है एंड यही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मैं आप सभी को इसी वीडियो में जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करूंगा जो कि महाशिव पुराण में दिया हुआ है। तो शिव पुराण के हिसाब से अगर हम मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक दारुका नाम से प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से घमंड में रहती थी, और उसका पति जो था दारुक नाम था उसका, तो वो हमेशा से मतलब जो है अधर्म के कार्य किया करता था, लोगों को परेशान करना, विध्वंस करना, यज्ञों का विध्वंस करना। तो इसी से डर से प्रजा जो है महर्षि उर्व की शरण में जाकर उन अपना दुख सुनाया। तो उर्व महर्षि ने कहा कि परेशान होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि अगर यदि कोई राक्षस जो है पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के अधर्म के कार्य करेंगे तो वो मारे जाएंगे। तो इसी से जो देवताओं ने जो है इन पर आक्रमण कर दिया था। तो फिर ये एन जो दारुक थी वो एक वन में रहती थी, और वो वन की खासियत वो थी कि मतलब वो हमेशा से मतलब जहाँ भी जा सकती थी वहाँ ले जा सकती थी। तो अपने कुल को बचाने के लिए और भवानी माँ के वरदान से वो सारा सारे वन को लेके चली गई। ये जो ये मतलब क्या बोलते हैं समुद्र के बीच में रहने लगे और वहीं पर मतलब इन लोगों को परेशान करने लगे। तो वहीं पर जो है फिर एक बीच में एक ऐसा हुआ कि बहुत सारी नावें आ रही थी मनुष्यों से भरी हुई, तो इन लोगों ने पकड़ लिया और उनको मतलब कारागृह में डाल दिया। तो उसमें से एक मतलब सुप्रसिद्ध वेश्या था सुप्रिय के नाम से, जो कि मतलब वो दल का सरदार था और मतलब बहुत ही सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और भगवान शिव का परम भक्त था। तो उन्होंने मतलब सभी को कहा भगवान शिव क्या आप लोग भी तपस्या करें यहाँ पे, और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उन लोगों ने ध्यान शुरू कर दिया। और वहीं पर जो है भगवान शिव ने फिर प्रसन्न होकर इन लोगों को दर्शन दिए और सारे राक्षसों का नाश करके वहाँ पे जो है नागेश्वर महादेव जी के रूप में यहाँ पे स्थापित हो गए। और यहाँ पे जो है मैंने अंदर पूजा भी की गर्भगृह में, तो 250 रुपये की आपको थाली लेने होती है एंड 100 रुपये की दर्शन की पर्ची कटाने होती है। तो फिर आपको पर्ची कटवाने के लिए, ये जो पूजा की थाली है, पर्ची कटवाने के लिए आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और महिलाओं के लिए भारतीय संस्कृति के कपड़े और पुरुषों के लिए धोती पहनना आवश्यक है। तो वहीं पर वो आपको मिल जाएगी धोती वगैरह। फिर मैं पूजा करके वापस से जो है निकल आया, और ये सारा सामान हमें एज ए घर पे प्रसादी के रूप में ले जाना होता है। तो यार बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था अंदर गर्भगृह में पूजा करने का। बट मतलब थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि मतलब हम लोग आजकल जो है पूजा को भी हमने मतलब बिजनेस बना दिया है, तो मतलब ये मुझे थोड़ा सा मतलब ना अंदर से ही दुख हुआ। बट चलिए कोई नहीं, खैर मतलब एटलीस्ट यार मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से, क्योंकि भगवान शिव सबके हैं। अब जिसके पास पैसे हैं या नहीं है, हम भी यार सेव कर करके मतलब जो है पैसे और ट्रिप करते हैं, बट मतलब यहाँ पे इन लोगों ने बिजनेस बना के रखा है तो थोड़ा सा मतलब दुख होता है। बट चलिए खैर कोई नहीं। तो ये ज्योतिर्लिंग थी, और यहीं पर जो है फिर मैं पूजा करने के बाद में मंदिर में थोड़ी देर घूमा, और मतलब फिर थोड़ी देर मैंने मेडिटेशन भी किया था अपनी रुद्राक्ष माला से, जो 11 माला मैंने पंचाक्षर मंत्र की भी की थी। और फिर मैं निकल गया अपनी थाली वगैरह दे के, प्रसाद वगैरह यहाँ पे क्या मिलता है। तो यहाँ पे जो है मैंने देखा कि मतलब प्रसाद में आपको जो है रेवड़ी मिलती है, सोन पापड़ी मिलती है, दूसरी एक दो चीज़ें थी जिसका मुझे नाम मतलब एग्जैक्टली नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने सोन पापड़ी ली थी। फिर नागेश्वर से हम वापस लौट गए, 5 किलोमीटर दूर आता है गोपी तालाब का मंदिर, यहीं पर रुक्मणी माता का मंदिर है, और गोपी तालाब, अर्जुन कुंड, ये सारी चीज़ें यहीं पर है। तो आप देख सकते हैं ये गोपी तालाब है, यहाँ पे आप ले सकते हैं ये मछलियों को खिलाने के लिए, यार गायों को भी खिलाया है ना यहाँ पे,
चारा वगैरह मिलता है, तो आपको बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा। एंड फिर यहाँ पे हम निकल गए हैं अपने, मतलब पहले आता है रुक्मणी जी का मंदिर, तो हमने पहले अपना जूते वगैरह निकाल के रुक्मणी माता के मंदिर पे गए। एंड ये तो लोग जो भगवान हैं कहते हैं मछलियों का कि ये जो दाना गोपियां बेचते हैं हैं, उनको तुम सुरक्षित तो पहले यहाँ से रुक्मणी माता का बेट मंदिर द्वारका से सॉरी यहाँ पे है, ये एंड द्वारका लड्डू से तुम गोपाल लेके जी जाओ, भी है। मथुरा छोड़ के आना। अब देख सकते हैं यहाँ पे तो इतिहास भी लिखा हुआ है, मतलब अर्जुन तो ये बहुत राम ही नाम मतलब का तेरता घमंडी पत्थर हो भी यहाँ चुके पे है, थे, तो आप उसको तो दर्शन कर इसीलिए सकते जो हैं। है ये यहाँ है पे रुक्मणी माता का मंदिर, यार। एक रुक्मणी माता का मंदिर जो मेन जो था द्वारका से 2 किलोमीटर दूर। एंड ये है रुक्मणी माता जी की मूर्ति, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे ही जो है लड्डू गोपाल जी का भी झूला जो है रखा हुआ था, तो आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के। तो यहाँ पे एक दादी माँ भी बैठे हुए थे, तो मतलब वो टीका वगैरह लगा रहे थे। फिर वहाँ से पीछे ही जो आता है ये है गोपी तालाब का रास्ता। तो गोपी तालाब का दोस्तों इतिहास ये है कि यहाँ पे जो महाभारत के युद्ध के बाद में अर्जुन को जो है घमंड आ गया था अपनी वीरता पर, तो भगवान ने इसका घमंड मतलब तोड़ने के लिए इनको जो है उनकी 16,108 गोपियाँ जो यहाँ पे आई हुई थी उनको बोला कि आप इनको मथुरा छोड़ के आओ। तो जब ये यहाँ पे पहुँचे द्वारका से, तो यहीं पर काबा कबीले के लोगों ने जो है इन पर हमला कर लिया, और इतिहास के हिसाब से अर्जुन को लूट लिया। ना वो अपना गांडी चला पाए, ना ही ये अपना वीरता दिखा पाए। तो मतलब अर्जुन को लूटता देख इन्होंने यहीं पर जो है सारी गोपियों ने जल समाधि ली थी, और यहीं पर फिर कृष्ण भगवान ने जो है उनको वरदान दिया था कि यहाँ की जो मिट्टी है वो चंदन सी हो जाएगी। तो आपको गोपी चंदन के नाम से ये मिट्टी यहाँ पे फिर फेमस हुई। यहाँ पे ये तालाब में से सफ़ेद मिट्टी निकलती है। तो यार मतलब काफ़ी अच्छा था, एंड अर्जुन को भी जो है अपना मतलब मिस्टेक अपनी गलती को जो है स्वीकार किया। एंड फिर यहाँ पे हम लोग पीछे चले गए गोपी तलाव के वहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे मंदिर वगैरह भी हैं अर्जुन का कृष्ण भगवान का। ये है गोपी तलाव, ये है मेन गोपीनाथ मंदिर। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है, जैसी मथुरा में है वैसी ही मूर्ति है काले रंग की, एंड गोपी तालाब मंदिर के पीछे है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं यार, मछलियों को खाना खिलाइए, है ना, गायें होती है उनको खाना खिलाइए, आपको भी एक मतलब अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे अपने जूते वूते निकाल के चले गए हैं गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। एंड ये आप देख रहे हैं वो है श्री मुख्य मंदिर, मतलब कि गोपीनाथ जी का मंदिर। यहीं पर फिर कृष्ण भगवान ने गोपियों को दर्शन दिए थे एंड उनको जो है मोक्ष प्राप्ति दी थी। यहीं पर फिर उन लोगों ने मोक्ष मिल गया था सारी गोपियों को। यही वो तालाब है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने जीवन की आखिरी रास लीला आई थिंक पूर्णिमा के दिन पे कंप्लीट की थी। तो फिर यहाँ से हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं तालाब की ओर जाने के लिए। ये है, मैं जो गोपी चंदन की बात कर रहा था ये वही गोपी चंदन है जो यहाँ से तालाब से निकलता है। तो आप ले सकते हैं, चंदन के समान होती है ये मिट्टी, अपने शरीर पर लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको सुकून मिलता है लगाने से। एंड भगवान ने भी मतलब कहा था कि ये जो चंदन यहाँ की जो मिट्टी रहेगी वो चंदन के समान हो जाएगी। तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे भी थे, एंड ये मेरा दोस्त बन गया एक यहाँ पे डोगी, क्या प्यारा सा। तो पहले हमने जो है तालाब के वहाँ पे गए एंड फिर यहीं पर अपने दोस्त के पास में बैठ गए। देख सकते हैं यार कितने अच्छे नज़ारे हैं, है ना दोस्तों। तो फिर ये इसको मैंने थोड़ा मतलब सहलाया, मसाज दिया, ये भी मतलब इसको भी मज़े आ गया, है ना। फिर इसके बाद में ये तो यहाँ पे इसके मज़े लेता रहा, एंड फिर इसको मैंने, चलो मैंने कहा भूख लगी होगी तो इसको थोड़ा सा यहाँ से बिस्किट तो यार कुछ खास मिले नहीं, बट चलो मैंने कहा जो मिलता है वही उसको खिलाते हैं। तो मज़ा आ गया एक ट्रिप में, मेरी द्वारका में एक नया दोस्त बन गया। तो ये अपना नया दोस्त बन गया, एंड यहीं से जो है हम लोग फिर वापस निकल जाएंगे बेट द्वारका के लिए, है ना। तो मैंने भी यहाँ पे बिस्किट वगैरह खिलाए मछलियों को, है ना। एंड यहीं पर एक अपने दोस्त थे जिन्होंने अपनी हेल्प की वीडियो रिकॉर्ड करने में,
एंड फिर वापस हम निकल गए अब बेट द्वारका की तरफ। यहाँ से हम जाएंगे बेट द्वारका, जहाँ पे कृष्ण भगवान का घर था। जो मेन द्वारका था वो कृष्ण भगवान का ऑफिस है। एंड यहाँ से अब हम जा रहे हैं बेट द्वारका के लिए। तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है ना। आप लोग भी मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, एंड कैसी लगी जानकारी, एंड कोई भी सजेशंस हो, कोई भी कुछ हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में बेट द्वारका में। तो आप देख सकते हैं इसके पहला पार्ट भी जो सोमनाथ का था। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।